भगवत की जानिब से दावत इफ्तार मुकाम का एहतमाम किया गया। मुकामी MLA जीवन रेड्डी ने बताया कि रियासत हुकूमत सेकुलर अकदार पर गामजन है और तमामी तबकात के लिए एक शाम फराही स्कीम को रूबा अमल लाया जा रहा है। मुस्लिम अखिलतों के लिए भी बेशुमार स्कीम को रूबा अमल लाया गया है। उन्होंने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नमाज बाजमात में शिरकत की। आरमूर मार्केटयार्ड ग्राउंड पर रुकन असेंबली आरमूर OPUC चेयरमैन और सदर जिला TRS जीवन रेड्डी की निगरानी में हुकूमती दावत इफ्तार और ताम का नज्म किया गया। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने गरीब मुसलमानों में रमजान ताहिर की तकसीम अमल में लाई और इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में इस तरह की कोई स्कीम पर अमलावरी नहीं हो रही है, लेकिन वजीर आला KCR एक सेकुलर कायद है जिनकी निगरानी में तमाम तबकात के लिए ऐसी स्कीम को रूबा अमल लाया जा रहा है। मुस्लिम अखिलतों के लिए शादी मुबारक और दीगर स्कीम का उन्होंने खुसूसी तौर पर जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने आरमूर की ईदगाह के लिए 25 लाख रुपए, शादी खाने के लिए 1 करोड़ रुपए के अलावा मुस्लिम तंजीमों के दफातर के लिए अराजी की फ्राहमी अमल में लाई। उन्होंने अखिलती अकामती स्कूलों का भी जिक्र किया। इस मौके पर TRS पार्टी रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने भी अपने खिताब में रुकन असेंबली आरमूर की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से तहसीलदार आरमूर वेणुगोपाल ने हुकूमती दावत इफ्तार की सहाफियों को कोई इतला नहीं दी। हालांकि सबक में तहसीलदार सहाफियों को इतला देते हुए इस प्रोग्राम की अखबारात और न्यूज चैनलों के जरिए तशहीर करवाते थे। मौजूदा तहसीलदार की अदम दिलचस्पी पर उर्दू सहाफियों ने नाराजगी का इजहार किया। इस दावत इफ्तार के बाद नमाज बाजमात का काजी हाफिज अब्दुल मजीद की इमामत में एहतमाम किया गया। रुकन असेंबली आरमूर जीवन रेड्डी ने भी मुस्लिम भाइयों के पास नमाज मगरिब अदा की। इसके बाद जीवन रेड्डी ने दावत ताम की निगरानी की और अपने हाथों से रोजेदारों को खाना सरबरा किया। जीवन रेड्डी की इस मुस्लिम दोस्ती और अखलाक से कई लोग मुतासिर नजर आए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों के अलावा म्युनिसिपल चेयरमैन अखिलती कौसर TRS कायदीन और दिगर ने शिरकत की। रमजान का एडवांस मुबारक है। अरे मंडल में करे सो आज इतना कभी हिंदुस्तान में किधर भी नहीं है और वर्ल्ड में भी आज तक ऐसा ऑफिशियल कोई चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल रमजान बनाया बन तो केवल अपन का CM KCR साहब बनाया। फिर अरे मंडल में अभी नंदीपेट में भी हो गया इफ्तार और मानपुर में भी हो गया। आज आरमूर में इंतजाम करो सो हमारा मुन्ना भाई, इम्तियाज भाई, फयाज भाई, अब्दुल रहमान भाई, हमर भाई, जाबरी भाई, वायस जहीर भाई और अभी स्पेशल गेस्ट आया हमारा तारिक अंसार भाई तो अभी चेयरमैन फिर सब लोग इतना इंतजाम करे आयस मौजूद सब कुछ और एक बार रमजान का मुबारक बोल के फिर आज तेलंगाना में पहली दफा 8 साल से रमजान का ऑफिशियल अनाउंस हुआ। अभी आरपुर में 1200 लोगों को तकरीबन ये तोहफा दिया, नंदीपेट में 1000 लोगों को दिया, फिर उधर भी देखे, फिर यहाँ मजीद डेवलपमेंट में के अभी तक 3 करोड़ 60 लाख रुपीस आया। फिर होने के बाद में 29 सामान्य लोगों की आरपुर में मजदूरों को जगह दिया, जमाता लोगों को जगह भी दिया, फिर उसका वजह डेवलपमेंट के लिए फिर एक शादी करने के लिए 1 करोड़ रुपये दे दिया, ईदगाह के लिए 25 लाख रुपये दे दिया और दूसरा प्रदीप में मांडपिंड में नदीपिंड में मांगपुर में भी दे दिया, फिर कब्रस्तान का डेवलपमेंट के भी दे दिया परसों। ये सब होने के बाद गवर्नमेंट से एक अभी तक आज तक कौन सा गवर्नमेंट भी नहीं दिया। मुसलमान हमारे भाई लोगों को 3 दफा बहुत तकलीफ रहता, एक पढ़ने में तकलीफ रहता, माइनॉरिटी गुरुकुल पाठशाला एक एक बच्चा के लिए फिर 119 ये डाल के पूरा 950 गुरुकुल पाठशाला दे के उसमें एक बच्चा के लिए इंग्लिश मीडियम पढ़ा के कपड़ा दे दे के खाना भी दे दे के हॉस्टल अकोमोडेशन दे के एक एक बच्चे के लिए 1,25,000 रुपये खर्चा करके